everybody, welcome to Dil Talks with Mahi, Dreams Inspiring Life, a series of insights. आज हमारे साथ दो भाई हैं जो एक का नाम जुबैर कुरैशी है, एक का नाम आबेद कुरैशी है, और ये दोनों भी स्पेशल चाइल्ड है और दोनों को भी दिखाई नहीं देता है इन, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों जूडो प्लेयर कैसे बने। वैसे दिखने में मैं तो बहुत दुबले पतले लगते हैं, लेकिन ये जूनियर कैटेगरी में, सब जूनियर कैटेगरी में खेलते हो, और ये भी अपने इस इनकी कैटेगरी में एक लेवल तक उन्होंने खेल चुके, ये नेशनल लेवल तक खेल चुके हैं। तो आपका नाम है जुबैर? जी हाँ सर, मेरा नाम जुबैर कुरैशी। हाँ, और जुबैर कुरैशी आप क्या करते हो, पढ़ाई कितने तक किए हो? अभी मेरा डिग्री फाइनल ईयर चल रहा है, बीए डिग्री फाइनल ईयर। अच्छा, डिग्री फाइनल हो गया है? नहीं, हाँ, अभी लास्ट ईयर। फाइनल। आपका आबेद? मेरा इंटरमीडिएट सेकंड ईयर चल रहा है। इंटरमीडिएट सेकंड ईयर चल रहा है। तो आपको ये जूडो खेलने का शौक कहाँ से आ गया? एक्चुअली सर, मैं मैंने शुरू से नॉर्मल पढ़ाई किया, नॉर्मल स्टडी किया है। ये मुझे प्रॉब्लम लगभग, मैंने सेवन तक नॉर्मल पढ़ाई की है। सेवन के बाद कुछ हमारे घर में ऐसा फंक्शन था जिसमें मुझे चोट लग गई, वहाँ से मुझे ये ब्लैड्स का प्रॉब्लम शुरू हुआ। मैंने तो वहाँ पर भी हिम्मत आ गई थी आगे मेरा क्या होगा। अभी से मुझे कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा, पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो आगे मेरा फ्यूचर क्या बनेगा। तो एक मेरे मामा, मेरे मम्मी के भाई मामा हैं जो हैदराबाद में ही रहते थे, वो उन्होंने दारुशिफा ब्लैंड्स हाई स्कूल का एड्रेस निकाला। तो हमने यहाँ पर 2007 में आके गए थे। एक्चुअली हमारे फादर की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से हमने एडमिशन नहीं लिया। फिर बाद में हमें पता चला कि फिर हमें बहुत दिक्कत हो रही थी पढ़ाई के लिए, ऐसा कि घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया था, कहीं सामान लाने के लिए जाना मुश्किल हो गया था। अच्छा, बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे। ऐसा तो हम लोग नॉर्मल क्रिकेट खेलते थे, नॉर्मल टेनिस बॉल से मैंने बहुत से टूर्नामेंट्स खेले। अच्छा, और मैंने एक टूर्नामेंट ऐसा जीता है कि जो एक बॉल में 6 रन चाहिए था। अच्छा, वो बॉल पर मैंने लास्ट ओवर पर 6 रन। ये ब्लाइंड्स हम लगभग 2005-2006 के आसपास एक लड़के ने मुझे घुटने से आंख पर मार दिया। किससे मारा? घुटने से, लेग अपने। अच्छा, खेलने के टाइम पे, खेलते हुए? हाँ, खेलते हुए पैर पे लग गया। अच्छा, तो वो मार मैंने समझा खाली ऊपर ही लगा होगा, फिर एक साल के बाद देखा कि वो आंख से दिखाई देना बंद हो गया जी। तो फिर मैंने सरोजनी में चेकअप कराया, 1-2 बार ऑपरेशन हुआ मेरा, वो ऑपरेशन भी फेल हो गया जी। फिर इसके बाद 2011 में जब मुझे बहुत सब प्रॉब्लम हो रहा था बाहर चलने के लिए, तो मैंने एलवी परिषद जाके अपने आई का चेकअप कराया, तो वो बोले कि ये दीदा ख़राब हो गया, ऐसे निकाल दो। तो निकालने के बाद फिर मैंने 2012 में दारुशिफा में एडमिशन लिया स्कूल। अच्छा, 8th क्लास से मैं और मेरे भाई। अच्छा, दोनों ने 8th क्लास। तो ये इनको कैसे शुरू हुआ ये? आपको तो मार लगी जी, और तो आबिद आपको कैसे हुआ ये? पहले से ऐसे पानी जाता था से। अच्छा, तो पानी जाने की वजह से पढ़ने में मुश्किल हो रहा। तो दोनों भी पैदाइश से ब्लाइंड नहीं हो? दोनों को भी बीच में कुछ ना कुछ कारण के वजह से हुआ है जी सर। तो ये हमारे इंडिया में हमने ऐसे काफ़ी केसेस देखे हैं, ऐसा मानते हैं कि ज़्यादातर जो डिजेबिलिटी होती है वो पैदाइश नहीं होती है, एक्सीडेंट के रूप में होती है या फिर कुछ एक नेग्लिजेंसी की वजह से होती है। अगर आप कुरैशी की बात मान लें तो उसके केस में ये हुआ कि एक चोट के वजह से उसको ये ब्लाइंडनेस आया है, बट अगर शायद ये समय पे अगर ट्रीटमेंट हो चुका होता तो ये शायद नहीं होता। इन्होंने काफ़ी समय लिया, इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया उस चीज़ को कि मार लगने के बाद में कुछ छोटी सी मार है, तो वो छोटी सी मार धीरे धीरे बड़ी हो गई और इस तरह उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खोली। तो आबेद के मामले में भी यही हुआ कि जैसे कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और इसका रीज़न शायद पावर्टी भी हो सकता है, क्योंकि पेरेंट्स इनके जो फादर हैं वो लेबरर है, डेली लेबरर है, और मदर जो है वो हाउसवाइफ है। तो इन्होंने सोचा होगा कि आपकी एक्चुअली मम्मी पापा ने आपको क्यों हॉस्पिटल लेके क्यों नहीं जाते हैं, जब आपके पास अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितने सारे आई हॉस्पिटल्स हैं, तो एक सही समय पे लेके गया होते तो ये शायद नहीं होता था। जी हाँ सर, मैं चेकअप तो कराया है सर, फिर भी इसमें हो सकता है। हम लोग सरोजनी हॉस्पिटल में 2 ईयर थे सर,
दो साल थे, लगभग दो साल यहाँ पर थे। अच्छा। वहाँ पर मेरा दो से या तीन बार ऑपरेशन हुआ है जिसकी वजह से वो फेल हो चुका है। अच्छा। हो सकता है इसमें डॉक्टर्स की गलती होगी या हमारी गलती होगी, तो ट्रीटमेंट भी सही नहीं हुआ होगा। चलो हम इसको ये ऐसे मान लेते हैं कि ये कुदरत का खेल था, जो भी होना चाहिए था वो हो चुका है। ठीक है, इसमें काफ़ी रीजन है, पॉवर्टी भी एक रीज़न है और अदरवाइज प्रॉपर हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक इशू है, तो हो सकता है। लेकिन इस ऑल टुगेदर एक ये एक कुदरती खेल है कि ये हमारे साथ हुआ है। उसके बावजूद भी दोनों भाइयों ने एक एक अपनी लाइफ को डिसअपॉइंटिंग वे में लेके जाके वहीं तक नहीं रोका है। उन्होंने पढ़ाई की है, उन्होंने ये ग्रेजुएशन फाइनल ईयर कर रहे हैं। और आबेद के की आबेद कौन सी पढ़ाई कर रहे हो आप? इंटर सेकेंड ईयर है। तो दोनों सगे भाई हैं और एक ही घर में दोनों विजुअली इम्पेयर हैं, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट थिंग है। माँ बाप के लिए भी बहुत दुखद की बात होगी कि इनके दोनों बच्चे ऐसे हो चुके हैं। और कोई रहता है आपके घर में बाबे? जी, हमारे घर में हम लोग टोटल पांच ब्रदर वन सिस्टर है। अच्छा। तीन चारों की नॉर्मल है, हम दोनों के प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वैसे तो फैमिली बड़ी है पर इन दोनों के साथ हुआ है। और हम आशा करेंगे कि ये जूडो में जिस तरह उन्होंने नेशनल लेवल पे खेला है और नेक्स्ट लेवल पे भी जाना चाहेंगे, सीनियर लेवल में भी आप जाना चाहेंगे और आप बहुत बहुत उन्नति करें। आपके सर कोच सर हैं, उनके थ्रू आप और सीखें और ट्रेन हो अपने आप पे और मेडल्स लाते रहें हमारे स्टेट के लिए, हमारे कंट्री के लिए। सर, मैं बात करना चाहता हूँ, अब तक भी जो हो चुका है मैं उसको पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला। अब आगे जो होगा, हमारे कोच एम ए अजीज सर आज भी आज जो भी हैं उनकी बदौलत हो। जी, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। अजीज सर गुरु बोलते हैं, गुरु नहीं होते तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स बनते नहीं। और गुरु दक्षिणा यही होते हैं कि जो गुरु हमको जो सिखाता है उनको अगर हम वापस रखें एक मेडल के रूप में हो, अपने हिम्मत के रूप में दे सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है ये। तो हम दोनों आप दोनों को मैं हमारे YouTube चैनल दिल टॉक्स विद माकी से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपको विश यू ऑल द बेस्ट फॉर आप अपकमिंग टूर्नामेंट और आपका जो अभी हैदराबाद नेशनल टूर्नामेंट आने वाला है नवंबर में, उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।